ये बात आप भी समझ लेना, जरूरी यह नहीं कि आपको प्रतिदिन 56 भोग मिलेंगे, जरूरी यह नहीं कि आपको प्रतिदिन रसमलाई ही मिलेगी, कभी सूखी रोटी भी मिल सकती है, कभी नमक रोटी भी मिल सकती है। हमेशा अपने आप को तैयार रखो, अच्छा मिला है तो अच्छे को पाकर के हम बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होंगे और बुरे को पाकर बहुत ज्यादा रोएंगे नहीं। क्यों? अगर कुछ हम अपनी रसोई में नमक रोटी पाके आए हैं, पड़ोसी को रोना बताया, अरे क्या करें 3 दिन से नमक रोटी, पड़ोसी हंसेगा, व्यवस्था नहीं करेगा। आपको जो मिल, और दूसरी बात, बुरा अगर आपको मिल रहा है वो आपने बताया तो पड़ोसी हंसी करेंगे, और आप रसमलाई खा के आ रहे हो ये बताया तो पड़ोसी जलेंगे कि ये तो चकाचक खा रहा है। अच्छा यही है कि जो मिले उसके लिए तैयार रहो।